हेलो एवरीवन एंड दिस वीडियो इज अबाउट डी ट्रिपल एस बी तो आप लोगों को पता है आपकी एग्जाम डेट आ गई है एग्जाम है और इस बार आपका एग्जाम कट ऑफ भी थोड़ी हाई होगी बिकॉज इस बार क्या है आपके नंबर ऑफ कैंडिडेट जो है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू प्रीवियस बाकी अब देखा जाएगा कि एग्जाम देने कौन कौन जाएगा तो इसमें मैंने आपको कट ऑफ का क्राइटेरिया बताना है आज की वीडियो में और जो प्रीवियस ईयर कट ऑफ रही है उसके बेसिस पे हम अपनी आ, इस बार की एक्सपेक्टेड कट ऑफ भी हम डिसाइड कर सकते हैं कि क्या रह सकती है एक्सपेक्टेड हमारी कट ऑफ और मैं इस वीडियो में आपको लास्ट में बताऊंगी रिगार्डिंग नोट्स ठीक है डी ट्रिपल एस बी के नोट्स मैंने बनाए हुए हैं तो उसके रिगार्डिंग मैं आप लोगों को उसकी इन्फॉर्मेशन दूंगी कि आप कैसे मुझसे वो परचेज कर सकते हैं सो लेट्स स्टार्ट तो ये एक हमारा डी ट्रिपल एस बी का नोटिस था जो कि डेटेड ऑन 16 मार्च 2020 तो उस टाइम पे जो 2020 के टाइम पे जब एग्जाम हुए थे प्रीवियस आपका ये चल रहा है 2019 का हुआ होगा ये तो उसके टाइम का ये नोटिस आया था रिजल्ट

कैंडिडेट तो उसके बाद फाइनल कट ऑफ आती है तो चलो उसके बारे में देखते हैं हम तो ये क्या है बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस इन द एग्जामिनेशन आपको पता है आपका ऑनलाइन मोड में होता है एग्जाम अ टोटल 381 कैंडिडेट हु ऑप्टेन मार्क्स अब और इक्वल टू कट ऑफ ऑफ मार्क्स इन देयर रिस्पेक्टिव कैटेगरीज हैज डिटेल्ड बिलो

और उसने क्या किया हो उसकी जितना भी उसने अपनी इंफॉर्मेशन फर्निश करी है वो हो डी ट्रिपल एस बी में अप्लाई करने के लिए एज असिस्टेंट असिस्टेंट प्रोफेसर सॉरी स्टैटिस्टिकल ठीक है तो हमें पता था क्या था क्या कि आप या तो इकोनॉमिक्स से हो या फिर आप एमएससी करी हो या फिर अगर आप कॉमर्स के भी हैं तो आपने क्या किया हो कि आपने स्टैटिस्टिक ऐसा सब्जेक्ट पढ़ा हो अपनी यूजी या फिर पीजी में तो उसके बेसिस पे इन्होंने मिनिमम मार्क्स फॉर कॉलिंग ओनली कौन कौन थे जिनके मिनिमम मार्क्स कितने आएंगे 84.75 में 70 मार्क्स 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 फॉर 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 ओबीसी 65.75 60.25 और ये बाकी के हैं 60.25 एंड 60 ठीक है तो ये थे मिनिमम मार्क्स जिसने ये क्राइटेरिया फुलफिल कर दिया प्लस उसके जो भी उसने डॉक्यूमेंट्स और जितनी भी इसकी क्वालिफिकेशन है वो अगर डी ट्रिपल एस बी स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट के लिए सफिशियंट है तो फिर वो आगे मूव ऑन करेंगे ठीक है तो यहाँ पे शॉर्ट लिस्टिंग हुई थी उसके बाद फाइनल कट ऑफ सेट हुई थी कि वो कितनी होगी उसके बारे में पढ़ते हैं तो ऑन द बेसिस ऑफ सिक्योर्ड मार्क्स सिक्योर्ड इन द रिटर्न एग्जामिनेशन एंड आफ्टर द प्रिमिनरी आपका सब कुछ चेक हो जाने के बाद फिर सारी टर्म्स एंड कंडीशन चेक करने के बाद 170 कैंडिडेट्स को क्या हुआ प्रोविजनली सेलेक्ट करे गए फॉर अ स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट आपके फिजिकली डिसेबल भी थे विजुअल वाले भी थे ओबीसी में फिफ्टी वन थे इसमें भी एक फिजिकल डिसेबल था एस सी में थर्टी सेवन थे और एस टी में नाइनटीन थे तो ये तो वो थे जिनको पोस्ट मिल गई थी वन सेवेंटी थ्री कैंडिडेट आर सेलेक्टेड ठीक है अब देखते हैं कट ऑफ तो ये आ गई हमारी फाइनल कट ऑफ फाइनल कट ऑफ थी जर्नल की 92.50 देखा सेट वाली 84 समथिंग थी शॉर्टलिस्टिंग के लिए और 92 ये मान के चलिए कि इस बार आप हाँ 100 मिनिमम मान के चल रही हूं मैं मिनिमम 100 ट्राई करना कि वन वन टेन तक क्रॉस कर जाए प्लस तो नहीं वन वन टेन ही कर लें अगर आप वन वन टेन या वन जीरो फाइव या हंड्रेड इस पे आपका आया तो आप इजिली शॉर्टलिस्ट हो सकते हैं ठीक है कोई चांसेस नहीं है आपके आउट होने के ओबीसी सेवेंटी तो अराउंड एट्टी टू सेवेंटी इस बार हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं सेवेंटी फोर पॉइंट फाइव जीरो मे बी हायर भी हो सकता है जरूरी नहीं है हंड्रेड पर ही हो जाए हो सकता है वन ट्वेंटी हो जाए मगर ये है कि इत, इस अगर इतने आ गए तो आप सेफ साइड में होंगे ठीक है इसमें सेवेंटी फोर पॉइंट फाइव जीरो 60. तो ये थी वो फाइनल कट ऑफ जो क्लियर तो में नाइनटी टू पॉइंट फाइव जीरो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जिस तरीके से कैंडिडेट्स अप्लाई कर रहे हैं ठीक है तो है ही कट ऑफ आपकी टफ रहेगा एग्जाम पेपर लेवल का भी थोड़ा हाई आएगा कट ऑफ भी हाई जा सकती है अगर पेपर ऑफ मतलब लेवल ऑफ पेपर अगर बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है पेपर बहुत टफ हो जाए तो हो सकता है कट ऑफ कम हो ठीक है अगर आपका इजी पेपर आ गया ठीक है तो होता है कि कट ऑफ आई जाएगी ठीक है और अगर आपका पेपर बहुत टफ आया है तो चांसेस हैं कि कट ऑफ हमारी लो चली जाए वो तो बाद में ही हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ डिसाइड कर पाते हैं जब एक बार आपका एग्जाम हो जाए एग्जाम पेपर देखने के बेसिस पे ठीक है फिलहाल आपकी जनरल की उस टाइम पे थी तो हम हंड्रेड तक तो मानकर चले कि हम 100 सेफ साइड मान के चलेंगे ठीक है ओबीसी 70 है तो आप 80 मान के चले आप ये सोचिए कि हर पुराने मार्क्स में से आप प्लस 10 कर लें फॉर अ सेफर साइड तो ये था आपका कट ऑफ का क्राइटेरिया आपको पता है कि आपको मिनिमम क्या बताए हुए हैं जनरल में 40 परसेंट फोर्टी परसेंट क्या है ये ओवरऑल में है प्लस कहीं जगह ये भी है कि फोर्टी परसेंट स्टैटिस्टिक में भी आपको गेन करने जरूरी है क्या तो अगर आप एडवर्टिजमेंट देखेंगे तो उसमें खाली ये है कि आपको मिनिमम फोर्टी परसेंट करना है फोर्टी परसेंट में से है टू हंड्रेड में से है ठीक है तो कहीं पे ऐसे मेंशन तो नहीं है मगर लेकिन हाँ ये है कि डी ट्रिपल एस बी में था कि स्टैटिस्टिक में भी आपके फोर्टी परसेंट आने चाहिए आपके सब्जेक्ट में भी अब आपको पता है जब है, का है, तो मे भी तो स्टैट्स तो तो पढ़ते रहिए मैंने आपको एडवांस टॉपिक कराए हैं आप उन्हें पढ़िए नॉर्मल भी पढ़िए जो बेसिक भी है तो अब बात करते हैं नोट्स की तो रिगार्डिंग नोट्स मैंने नोट्स बनाए हैं आपके कुछ एडवांस टॉपिक्स के प्लस बेसिक का भी एक दो पार्ट है टॉपिक ठीक है जो एडवांस टॉपिक क्वेश्चन के कंप्लीट होने के टेन टू फिफ्टीन मैंने आपको उसमें क्या क्या कराया है आपको एलएलपी ट्रांसपोर्टेशन असाइनमेंट गेम थ्योरी आपका गेम थ्योरी है ठीक है और आपका है सैम्पलिंग probability distribution आपका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है प्रोबेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है अनोवा भी है उसमें ठीक है और भी उसमें एक दो टॉपिक्स हैं टाइम सीरीज या टाइम सीरीज सो दीज आर सम टॉपिक्स ठीक है आप एक बार नोट्स लें ठीक है तो मेरे पास आप मुझे क्या करेंगे मेल करेंगे एट एच आर शिव इसको थोड़ा अच्छे से लिख देती हूँ वैसे में से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसको मैं मेंशन कर दूंगी एच आर शिव एट द रेट जीमेल सॉरी 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 शिव जीरो वन एट द रेट जीमेल डॉट कॉम सो आई एम चार्जिंग चार्जेस की बात कर लेते हैं रुपीज हंड्रेड एज मिनिम एज आई कैन चार्ज ठीक है रुपीज हंड्रेड तो आप जिसको भी परचेज करने हैं। और ये क्या है ये पहले तो ये कि मैंने इंग्लिश में नोट प्रोवाइड किए हैं तो जिसको इंग्लिश में कंफर्टेबल है वो परचेज कर सकते हैं आप एक बार परचेज कर ले उसके बाद जो भी कोई अगर इम्पोर्टेंट टॉपिक्स रहता है ठीक है तो मैं वो इंपॉर्टेंट टॉपिक के नोट्स बनाकर जिस बच्चे ने भी खरीदा होगा उसके मेल पे खुद ही उसको शेयर कर दूंगी अपने वो जो भी नोट्स मेरे रिगार्डिंग प्रैक्टिस क्वेश्चंस होंगे या जो भी रहेगा मैं उनको खुद से शेयर कर दूंगी तो आप उस चीज की वरी मत करिएगा मैं आपको टेलीग्राम पे भी एक बार बता दूंगी कि मैंने कुछ नए नोट्स बनाए हैं तो मैं उन सब बच्चों को नोट्स वहां पर भी दोबारा से मेल कर दूंगी सो दैट्स ऑल फॉर टूडे आई होप यू गैस लाइक दिस सेशन सो आप ये याद रखिए आपके पास अब एक मंथ है अपनी प्रैक्टिस करिए सारी प्लेलिस्ट की जितनी भी वीडियोज है सब देखें ठीक है प्लस अपने टॉपिक्स खुद पढ़े आप इजीली आपके पास नोट्स भी मैंने अवेलेबल करा दिए हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन भी है अपना फर्स्ट पेपर भी करिए अपना स्टार्ट भी करिए सो दैट्स ऑल फॉर टुडे बाय बाय